इधर रायपुर में राजीव गांधी मार्ग का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मार्ग किया गया है। रायपुर के एयरपोर्ट रोड का नाम पहले वीआईपी रोड था, जिसे कांग्रेस शासन में राजीव गांधी मार्ग कर दिया गया था। सरकार ने अब नाम बदलकर श्री राम मंदिर मार्ग कर दिया है। इस पर लोगों का कहना यह है कि भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर है, ऐसे में रोड को राम भगवान के नाम से जाना जाना गर्व की बात है। मौजूद है श्री राम मंदिर के पास। ये जो रोड आप देख रहे हैं वो राजीव गांधी मार्ग अब तक के कहलाता था, लेकिन अब श्री राम मंदिर मार्ग कहलाता है। आप सीधे ये बोर्ड देख सकते हैं, नाम बदला गया है, श्री राम मंदिर मार्ग इसका रख दिया गया है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वीआईपी रोड से नाम बदलकर राजीव गांधी मार्ग रखा गया था। बीजेपी इस पर लगातार सवाल उठा रही थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आई है तो इसका नाम फिर से राम मंदिर मार्ग रख दिया गया है। चूंकि अभी अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान हुए हैं, आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसे में इस मार्ग को भगवान श्री राम के नाम पर रखने के लिए बीजेपी लगातार कह रही थी और उसे कह दिया है। हालांकि इस पर राजनीति गर्मा गई है, कांग्रेस इसे सीधे तौर पर माहौल बिगाड़ने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बोर्ड लग गया है अब यह रोड जो है श्री राम मंदिर मार्ग कहलाएगा। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।